हेलो वेलकम एंड नमस्कार, मैं हूँ निमेश परमार। मैं हूँ सोफी परमार। मैं हूँ मंजुला परमार। निम्मी, सोफी और मम्मी। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @sophie_nimmi_and_parmarified। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट और अपने सजेशंस देने के लिए भी। तो आज हम टीजर रिएक्शन करने वाले हैं तेलुगु मूवी का जिसका नाम है जानू। ये मूवी तमिल मूवी 96 का रीमेक है। इसमें डायरेक्टर सेम है, बस कास्ट अलग है। और इस मूवी में शर्वानंद एंड समांता है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है प्रेम कुमार ने। और ये मूवी आने वाली है 7 फरवरी 2020 को। सो मार्क योर कैलेंडर, इसे देखने जरूर जाएं अपने नजदीकी सिनेमाघरों में और दूर के सिनेमाघरों में भी। हमारा ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरू करो। वो कहाँ से शुरू करेंगे? रामचंद्र దూరం వెళ్ళిపోయావారా? నిన్న ఎక్కడ వదిలేశాను అక్కడే ఉన్నాను. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्टर थे त्रिशा और विजय सेतुपति। विजय सेतुपति सुपर्ब एक्टर है। और उसमें जो बच्चों का जिनका रोल किया था, उनके जो यंगर वर्जन का रोल किया था, तो जो लड़की का नाम नहीं पता, दोनों का लड़की तो सेम है, जो जाने की बनी थी, लड़का चेंज है, पर सुपर्ब लग रहा है देखकर। वो एक्चुअली जो बच्चे का रोल किया था जिस लड़की ने, वो भी बहुत सुपर्ब एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मतलब ऐसा ना फील कर पाते हैं, स्टार्टिंग से अपने आप को उसमें कनेक्ट कर लेते हैं, इतनी प्यारी मूवी है। सेम डायरेक्टर ने बनाया है, प्रोड्यूसर सेम है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुई है, कास्ट चेंज हुई है। सीन देखकर मेरे को काफी सारी जगह लगी इसमें इम्प्रूवमेंट्स किए गए, कुछ नया है। हाँ, कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए गए सीन वाइज, काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए। शायद जो प्रेम कुमार को लगा होगा कि जहाँ पर वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम करता है तो देयर ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी को उसको और बेटर ढंग से कर सकते हैं। उनको चांस मिला तमिल से तेलुगु मूवी बनाने का, सो उन्होंने इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली किए हैं। इवन अगर देखा जाए तो शॉर्ट वाइज भी 96 जो मूवी थी बहुत ब्रिलियंटली शॉर्ट हुई थी, लेकिन मैं इसका टीजर देखकर मेरे को लग रहा है कि ये उससे भी ज्यादा बेटर है। हाँ, क्योंकि इसका थोड़ा डिफरेंट टाइप से दिखाया है, थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। मेन मेन कुछ जो मेन सीन्स थे वो तो मेरे को सेम ही लगे, स्कूल वाला सीन था जब वो बोलता है के रामचंद्र, हाँ। वो सीन थे। और होटल से वो फोन करते हैं, वो एंटर करते रहती है उसी टाइप से, थोड़ा सा सेम वैसा ही था। पर अच्छा मेरे को बोला वो मूवी याद आ गई एकदम। हाँ, टीजर देख के ना वो पूरी मूवी ऐसे फ्लैशबैक अंदर घूमने लग गई, या हमने ये भी देखा था, ये भी सीन देखा था, ये भी देखा था। जब 96 मूवी आई थी तो वो तमिल में आई थी, पर काफी सारे हिंदी स्पीकर जो ऑडियंस थी उन लोगों ने इस मूवी को इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखा और बहुत पसंद किया। तो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले उसका हिंदी में डब आया है, सो अगर आपने नहीं देखा है तो अवेलेबल आपको कहीं भी मिल जाएगा, प्लीज बाय कीजिए, उसे देखिए जरूर। और ये मूवी का भी मैं तो ट्रेलर देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड, क्योंकि 96 वन ऑफ माय फेवरेट मूवी अभी के टाइम पे,
और इसको भी मैं जरूर देखना चाहूंगा। एक्चुअली हीरो के बारे में तो ऑनेस्टली बताऊं नहीं पता है, पर समांथा चैप्टर है, समांथा का हमने काफी सारे रिसेंटली काफी सारे मूवीज में भी हमने रिएक्शन भी किया, तो काफी सारे मूवीज में समांथा थी, आई थिंक दो या तीन हमने देखा जिसके अंदर समांथा थी। पूरा तो इन्होंने बोल दिया इनकी 96 फेवरेट मूवी है, तो इन्होंने एक्साइटमेंट में पूरा ही बोल दिया। ऐसा नहीं, मुझे भी बहुत पसंद आई थी। रोज रात में साथ में बैठ के कुछ अलग लैंग्वेज की मूवीज देखना हम पसंद करते हैं, तो हमने वो भी मूवी देखी थी और हमको बहुत पसंद आई थी। सच में आप वो फील कर सकते हैं ना, जो जो मतलब स्पॉइलर अलर्ट्स पर जो अधूरापन उस स्टोरी में छूट जाता है ना, सच में वो दिल छू जाता है सच्ची में, और हर अधूरा रह जाता है, बुरा लग जाता है। काफी सारे सीन्स में एक्टर्स, मतलब मैं प्रेज करना चाहूंगा जिन्होंने भी 96 मूवी का जो बचपन का रोल किया है, जो भी दोनों एक्टर ने, तो काफी सारे मूवमेंट में सिर्फ आपको एक्सप्रेशन देना है, कुछ कहना नहीं है, और उसको जितना अच्छा फील के साथ बनाया है ना, तो इसका इसका पूरा जो श्रेय जाता है इसके डायरेक्टर प्रेम कुमार को जाता है, जिन्होंने इतना सुपर्ब मूवी बनाया। और अभी तेलुगु ऑडियंस के लिए उन्होंने अपनी मूवी तमिल मूवी का रीमेक किया, सो थोड़े बहुत नुआंस चेंज किए हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि ये मूवी बहुत सुपर्ब रहने वाली है। चाहे आप हिंदी बोलते हो, तमिल बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, मलयालम बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, गुजराती बोलते हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, ये मूवी आप किसी भी लैंग्वेज में देखो सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, आपको वो फील हो जाएगा। हो जाएगा आपको ये मूवी देखने के लिए एक्चुअली किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग है इस मूवी की कि आपके दिल तक पहुंच जाएगी। ये वन ऑफ अ काइंड स्टोरी देखा है मैंने, अभी तक ऐसा स्टोरी मैंने आज तक नहीं देखा था। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट ऑन इट, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।